इसके संबंध में एसडीएम महोदय द्वारा अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। और जानकारी एसडीएम महोदय के क्षेत्राधिकार के 3 कार्यालयों से थी, पंचायत विभाग, शिक्षा विभाग और तहसीलदार महोदय के कार्यालय से थी। ये तीनों जानकारी आपस में संलिष्ट हैं, इसलिए मैं तीनों कार्यालयों के प्रथम स्तर के अधिकारी एसडीएम महोदय से जानकारी का संकलन कर मतलब जानकारी प्राप्त करना चाहा, फिर भी अभी तक कोई जानकारी नहीं दी गई है। और ये उप जिला अधिकारी द्वारा मेरे आवेदन को इग्नोर किया जाना तो मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है, क्योंकि मैं एक आदिवासी समुदाय के बहुत ही गरीब परिवार से हूँ। तो इस संबंध में आप हमें थोड़ा सा जानकारी दें। मैं इसमें श्री शैलेश गांधी जी से बोलूंगा कि वो इसमें बताएं कि अपना ये रखें कि किस तरह से इनको क्या कार्रवाई करनी चाहिए आगे। आपने आप मेरे हिसाब से पहली अपील कीजिए और दूसरी अपील कीजिए और प्रार्थना कीजिए ईश्वर से, क्योंकि अभी वो बचा है अपने पास, कि कमीशन आयोग आपका निर्णय 2-3 महीने में दे दें। ये आपका कौन सा राज्य है श्रीमान जी? ये हमारे लिए मतलब प्रथम अपील और द्वितीय अपील में तो जाना, मैं अल्प मतलब शिक्षित भी हूँ, तो हमारे लिए बहुत ही नहीं, नहीं, शिवानंद जी जैसे मित्र आपको हेल्प करेंगे। आप कौन से राज्य से हैं दोस्त? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से, तो शिवानंद जी जैसे धुरंधर बैठे आपको मदद करने को, मैं इनकी मदद करूंगा। लेकिन इनकी पीड़ा सर ये थी, एक्चुअली एक जनरल पीड़ा भी शायद अपने माध्यम से व्यक्त कर रही आवेदन के माध्यम से, कि बार बार यही हालत है। तो आप चिंता मत करिए भाई संतोष जी, जब आपका मामला सूचना आयोग में पहुंचेगा तो उसका यथा उचित वहां पे निराकरण भी होगा। और इस तरह से एक कॉल आ गया था, तो मैं ये कह रहा था कि जब आपका मामला सूचना आयोग में पहुंचेगा तो उसका यथा उचित उनको पारितोषिक भी मिलेगा जो भी जिम्मेदार होंगे। तो अभी आप निश्चिंत रहिए, ये तो दुर्दशा सभी की है, तो आप परेशान ना हों। इस विषय में आप प्रथम और द्वितीय अपील, प्रथम अपील कर दिए हैं तो द्वितीय अपील भी आप दायर कर दें जी, हम आपकी मदद करेंगे। किरण नारायण जी हैं आपके उधर क्षेत्र में, वो आपकी मदद करेंगे, इसमें जुड़े भी हैं, जो नहीं हो पाएगा वो अपन बिल्कुल करेंगे जी। और आप लोगों के अन्य प्रश्न हो तो एक एक करके आप बातें रखें। हाँ देवेंद्र अग्रवाल जी बोलिए जी, स्वागत है, बताएं जी। प्रणाम। हमेशा से गांधी जी जो हैं हमारे लिए ये बोलते रहे हैं कि कोर्ट्स और आयोग हमारे लिए बहुत अच्छे डिसीजंस नहीं दे रहा है, बहुत अच्छे काम नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ काम हमें भी